हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उपसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, पूरे देश के अंदर कोविड 19 के वजह से लगे हुए लॉकडाउन 1 एंड लॉकडाउन 2 की वजह से पूरे देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब है। जॉब्स जो हैं उन्हें संभाल के रखना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। जॉब बड़ी तादाद में लोगों की गई है, बिजनेस एक्टिविटीज ठप है। जो बिजनेस चल रहे हैं उसके अंदर भी कैश फ्लो इतना नहीं है कि लोन की EMIs भी प्रॉपर तरीके से पे की जा सके। जो लोग मॉरिटोरियम फर्स्ट अवेल कर सकते थे उन्होंने मॉरिटोरियम फर्स्ट अवेल किया। सितंबर 20 के बाद उनके लिए भी मैंडेटरी था कि अक्टूबर 2020 से वो अपनी EMIs पे करें, और अक्टूबर 2020 से जिन लोगों ने EMI किसी तरह से पे करने शुरू की तो अप्रैल 2020 के अंदर फिर से दोबारा लॉकडाउन लग गया। अभी आर्थिक गतिविधियां ठीक हुई नहीं थी कि लॉकडाउन 2 आ गया, और लॉकडाउन 2 लगने के बाद अब अक्टूबर का महीना आ चुका है और अभी तक भी बिजनेस एक्टिविटीज अपने ट्रैक पर नहीं आई हैं। ये सारी कंडीशन जो एक आम इंसान, एक आम बोरोवर फेस कर रहा है, तो वहीं RBI भी इन तमाम कंडीशंस के ऊपर बहुत बारीकी से निगाह रखे हुए है और वक्त वक्त वो अपने बैंक्स को कोई ना कोई डायरेक्शन ऐसी दे रहे हैं जिससे बोरोवर्स को कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। अभी इसी कॉन्टिन्यूएशन के अंदर HDFC बैंक और SBI बैंक ने अपने बोरोवर्स के लिए कुछ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिनको आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाके या पर्सनली बैंक में जाके आप पता कर सकते हैं। जो नॉलेज मेरे पास है, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फ्रेंड, जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर अभी तक बिल्कुल ठीक था, यानी कि उन्होंने मॉरिटोरियम फर्स्ट अवेल किया, उसके बाद अक्टूबर से उन्होंने EMIs पे करनी शुरू करी, बल्कि सितंबर से अपनी EMI पे करनी शुरू करी और अप्रैल फर्स्ट तक उन्होंने सारी EMIs पे की हैं, लेकिन अब जाकर उनका कैश फ्लो इतना नहीं है, इनकम लॉस है, बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। मान लो किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए महीना की EMI है और उसका बिजनेस ही 1 लाख रुपए महीने का नहीं है, तो यहां पर वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, यानी कि वो अपनी मर्जी से EMIs को डिफॉल्ट नहीं कर रहा। एक बिजनेसमैन लोन इसलिए लेता है ताकि वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उससे कुछ मुनाफा कमा के बैंक को भी EMI पे कर सके, क्योंकि यहां पर बिजनेस की एक्टिविटीज ठप है, इसलिए कैश रेवेन्यू जनरेट ना होने की वजह से वो EMI को पे नहीं कर पा रहे हैं। यही हाल पर्सनल लोन लेने वालों का है, यही हाल क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग करते हैं उन लोगों का है कि उन्होंने कुछ सोचकर शॉपिंग की थी लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज ठप होने की वजह से अब वो EMIs या पूरा ड्यू पे नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब को मद्देनजर रखते हुए SBI और HDFC ने जो लोन स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम दिया है वो बहुत शानदार है, और जो लोग इसके लिए एलिजिबल है मैं उनके बारे में भी बता देता हूं। फ्रेंड, जिन लोगों का सिविल स्कोर अभी तक ठीक है, उन्होंने लॉकडाउन फर्स्ट से पहले अपनी पूरी EMI पे की थी, मॉरिटोरियम अवेल किया, मॉरिटोरियम अवेल करने के बाद लगातार EMI पे की, और जब सेकेंड लॉकडाउन लगा है तब तक की उनकी EMI, यानी कि अप्रैल 2021 तक की आपकी EMI अगर पूरी तरह से पेड है, और उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन लग गया था बिजनेस एक्टिविटीज फिर से बंद हो गई थी, तो आपको करना यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इन सब चीजों को आपको शो करना है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अकाउंट है, जाहिर सी बात है बिजनेस करंट अकाउंट के जरिए होते हैं, तो करंट अकाउंट के अंदर आपका आपकी ट्रांजैक्शंस ये रिफ्लेक्ट कर रही होंगी कि पहले आपके अकाउंट में जितना पैसा आता था अब उतना पैसा नहीं आ रहा है, या किसी व्यक्ति की सैलरी थी तो पहले उसके पास 25,000 रुपए महीना सैलरी आती थी, किसी वजह से अब उसकी कंपनी ने उसकी सैलरी 50% कर दी है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं, या किसी व्यक्ति की 50,000 रुपए महीना की जॉब थी, लॉकडाउन की वजह से उसकी जॉब ही चली गई है और उसे नई जॉब ढूंढने में अभी कुछ वक्त लगेगा, तो ये भी वो कंडीशंस है जो बैंक भी समझ रहा है कि आपके साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आप में से कोई भी विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बिल्कुल ठीक है, आपको सिविल स्कोर की अपनी डिटेल देनी होगी, आपको अपने अकाउंट्स, चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उन डॉक्यूमेंट्स को, उनकी स्टेटमेंट को आपको अपने बैंक में दिखाना होगा, और जो आपका कैश फ्लो कम हुआ है या जो आपका इनकम लॉस है या जो आपकी जॉब गई है, ये सारी चीजें आप अगर ऑन रिकॉर्ड इन डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं तो जाइए
HDFC और SBI बैंक आपके लिए है, वहां पर आप अपने लिए 2 साल तक की रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग क्या चीज है? रीस्ट्रक्चरिंग ये है कि आपकी मान लो 1 लाख रुपए महीने की EMI जाती थी, अब आपकी कंडीशन ये है कि आप बमुश्किल से 20,000-25,000 रुपए की EMI पे करने में सक्षम है, लेकिन 20,000-25,000 रुपए की EMI अगर आप बैंक को देंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिफॉल्टर बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करता है कि या तो वो आपकी EMI इतने रिड्यूस कर देता है कि आप उसे कम से कम पे कर सके। हो सकता है आप 20,000 पे करें, 25,000 की आपकी EMI बना दी जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से तमाम SBI HDFC के बोरोवर्स अपने बैंक जाके अपनी EMI को रिड्यूस करा सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ले सकते हैं। एक तरीके का ये भी मॉरिटोरियम है जो आप अवेल कर सकते हैं। और भी यहां पर जो दूसरे बोरोवर्स हैं, अन्य बैंकों के बोरोवर्स हैं, यहां पर मैं उनको भी एडवाइस देना चाहता हूं कि आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी हैं और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप भी फुलफिल कर सकते हैं, तो आप भी अपने बैंक के बैंक से मैनेजर से जाकर मिलिए, उसको अपनी परेशानी बताइए। मुझे ये उम्मीद है कि आपको उसका हल जरूर मिलेगा। और अगर मान लो बैंक आपका कन्विंस नहीं हो रहा है, तो फिर आप अपने बैंक को अपने एडवोकेट के थ्रू एक लीगल नोटिस जरूर सर्व करिए और उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर अटैच करिए, ताकि इन फ्यूचर आप डिफॉल्ट करते हैं और आपका बैंक आपके ऊपर कोई केस करता है तो आपके पास एक वैलिड डिफेंस आपके पास होगा, जिसकी मदद से आप केस लड़ पाएंगे और काफी हद तक अपने पक्ष में बचाव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो के माध्यम से जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।